हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बारे में न बताकर छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 12वीं के बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाना उनको पड़ता था, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे थे और उनको आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाना ही पड़ता ही था। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 2022 को हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा की कि अब आप लोगों को 12वीं के बाद दूसरे शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा। अब आप लोगों को यहीं पे आपको छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों को छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम जो कॉलेज हैं वो मिलेंगे। पूरे एड्रेस के साथ आपको बता दूँगा, लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको जानकारी हो और आप अगले सत्र 2023 में वहाँ पे एडमिशन ले सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी को पहले समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको कॉलेज मिलने वाले हैं और किन किन जिलों में कब आपको मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नवभारत की रिपोर्ट है, नवभारत जो पेपर है उसका, और ट्विटर के माध्यम से भी भूपेश बघेल जी ने इसकी जो घोषणा की थी। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं अब खुलेंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश के छात्रों में हित में बहुत बड़ा ये फैसला है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, जून 2023 से प्रमुख नगरों में 10 कॉलेज से होगी शुरुआत। मतलब कि जून 2023 से आप लोगों को एडमिशन मिलना चालू हो जाएगा। जो भी बच्चे ऐसे थे जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से पढ़ाई करते थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि उनको जून 2023 के बाद आप लोगों को, जैसे कि आप स्वामी आत्मानंद से ही पढ़े हैं या फिर किसी भी प्राइवेट से पढ़े हैं, तो आप जाके जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेंगे तो वो भी आप लोगों का गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 सालों में सभी मुख्यालयों में खोले जाएंगे। मतलब कि 3 साल के बाद, जैसे कि जो 10 कॉलेज होंगे, ये तो अभी जैसे कि आप मान लीजिए भिलाई हो गया, भिलाई में खुलना तय है आप लोगों का, रायपुर में खुलना तय है आप लोगों का, बिलासपुर में खुलना तय है आप लोगों का, जगदलपुर में आप लोगों का खुलना तय है। ऐसे ऐसे शहर हैं जहाँ पे आप लोग, बहुत ही मेन सिटी है आपका राजनांदगांव हो गया, ऐसे ऐसे जो नगर हैं यहाँ पर, आप प्रमुख नगर हैं यहाँ पे, आपको खुलेगा ही खुलेगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, इन शहरों में तो 10 से शुरुआत होगी, उसके बाद 3 सालों के बाद सभी ज़िलों में ये बारी बारी से खोल दी जाएगी। ठीक है, अभी तक इसका लिस्ट नहीं आया है, तो जैसे ही आपका लिस्ट आता है तुरंत मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि 12th के बाद आप लोगों को एडमिशन कहाँ लेना है। अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे आने वाले अपडेट के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए करने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि कोई भी अपडेट आती है हम यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तुरंत आप तक अपडेट को पहुँचाई जाती है। ठीक है, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।